हेलो एवरीवन, मारुति सुजुकी ने अपने डिजायर का फेसलिफ्ट वर्जन 1.2 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें, अब ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आया करेगी। अब इसका डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जो 1.3 लीटर का आता था, और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 5,89,000 से लेकर 8,81,000 एक्स शोरूम के बीच होने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसलिफ्ट वर्जन में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो वाकई में काम के हैं, और कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो सिर्फ नाम के हैं। सबसे पहले हम इसके लुक की बात करते हैं। अगर हम फ्रंट से कार को देखें तो फ्रंट ग्रिल जो इसकी थी, जो पुरानी कार भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो काफ़ी सेपरेट ग्रिल आती थी, जैसे ऊपर की ग्रिल थोड़ी छोटी होती थी और उसी का ही एक दूसरा पार्ट होता था जो नीचे की तरफ होता था। अब इस ग्रिल को बड़ा कर दिया गया है और सिंगल ग्रिल आपको मिल रही है, जो कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक बम्पर के आती हुई नज़र आती है, ताकि इसको थोड़ा सा एग्रेसिव लुक दिया जा सके। वहीं अगर बम्पर की बात करें तो बम्पर में भी थोड़े बहुत डिज़ाइन चेंज की गई है। इसके अलावा जो फॉग लैंप है उसकी प्लेसिंग तो वही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी डिज़ाइनिंग चेंज की गई है। इसके अलावा फ्रंट में ऐसा कोई खास चेंज नहीं है। DRLs और हेडलैम्प्स अपनी जगह पे हैं, उनकी पोजीशनिंग में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। अगर साइड से हम कार को देखें तो साइड से भी हमें कोई खास चेंज देखने को इसमें नहीं मिल रहा है। इसके जो एलॉय व्हील्स हैं उनको टू टोन एलॉय व्हील्स मिल रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर साइड में आपको ज़रूर देखने में नहीं मिल रही है, लेकिन वो चेंज हुई है, वो है इसके ORVMs। अब ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आने लगे हैं, जो एक तरह से कन्वीनियंट फीचर ऐड कर दिया गया है। वहीं बैक से भी अगर हम कार को देखें तो लुक में कोई खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बैजिंग आपको पुराने वेरिएंट्स में दिखती थी, वो अब जैसे नेक्सा की कार आती है उसकी तरह आपको कार पे अब वेरिएंट्स की बैजिंग नहीं दिखा करेगी। वहीं इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी आपको कोई खासा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो इसकी पोजीशनिंग और डैशबोर्ड की डिज़ाइन थी वो वैसी ही है, लेकिन जो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो वुडन एसेंट ऐड किए गए थे उसका कलर वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। वहीं अगर हम सीट की बात करें तो सीट में भी आपको वही सेम बेज इंटीरियर और अपोलस्ट्री मिलेगी। कुशन की जो डिज़ाइंस हैं वो थोड़ी सी चेंज की गई है। वहीं अगर हम स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें भी जो वुडन एसेंट है उसका कलर थोड़ा सा चेंज किया गया है। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स पहले लेफ्ट में सिर्फ मिला करते थे, अब आपको राइट में भी दिखने लगे हैं, और ये जो कंट्रोल्स हैं ये क्रूज कंट्रोल के हैं, यानी अब आपको नई स्विफ्ट डिजायर में क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाएगा। वहीं हम इसके मीटर और MID की तरफ अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो मीटर इसके एनालॉग हैं उसमें थोड़े से वाइट कलर ऐड किए गए हैं। साथ ही अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसकी जो सेंटर में MID है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है पुरानी डिजायर के अपेक्षा। वो 4.2 इंच की अब हो गई है, जिससे आपको दिख सकेगा कि आपकी कार के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो उसमें आप देख सकेंगे। साथ ही इसमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम कर दिया गया है, जो आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्टिव होता है। इसके अलावा स्मार्ट प्ले रिमोट के साथ आपको ये टेक्नोलॉजी अब ऐड कर दी गई है, जैसे आपको बलिनो में मिला करती थी। वहीं हम अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको K12C डुअल जेट इंजन मिलता है। अगर हम इसको पुराने इंजन से कंपेयर करें तो पुराना इंजन आपको 1.2 लीटर का ही पेट्रोल मिलता था, लेकिन ये सिर्फ 82 BHP जनरेट करता था, लेकिन अब जो इंजन है वो आपको 88.50 BHP करता है, जिसको आप लगभग 90 BHP के काउंट में ले सकते हैं। वहीं अगर हम NM की बात करें टॉर्क की इसके, तो वो आपको 113 मिलता था, अभी भी आपको वही मिलेगा, लेकिन जो इसका RPM है वो 4200 की जगह 4400 हो गया है। साथ ही ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में मिलेगी, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये अब आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलेगी, इसका डीजल इंजन फिलहाल बंद हो चुका है। वहीं माइलेज की बात करें तो एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुरानी डिज़ायर थी उसका जो मैनुअल और ऑटोमेटिक में एवरेज क्लेम होता था वो 21.21 का होता था, लेकिन नई डिज़ायर में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 23.26 का एवरेज मिलेगा, और वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 24.26
1.2 का एवरेज मिलेगा, यानी मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 2.05 का ज़्यादा माइलेज मिलेगा और वहीं ऑटोमेटिक में आपको 2.91 का ज़्यादा माइलेज मिलेगा। मारुति के जो भी नए इंजन्स आ रहे हैं, अगर हम ब्रेज़ा में भी अगर इसी चीज़ को देखें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इनके जो हैं वो मैनुअल से ज़्यादा एवरेज क्लेम कर रही है मारुति। वहीं सेफ्टी की बात करें तो स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स आपको पहले भी मिलते थे, ABS, EBD, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, सीट बेल्ट वार्निंग, अब उसके साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हिल होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ऐड कर दिया गया है। साथ ही जो इसका प्लेटफॉर्म है वो 5th जनरेशन हार्डटेक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम कलर की बात करें तो इसमें 2 नए कलर ऐड किए गए हैं, प्रीमियम सिल्वर एंड फिनिक्स रेड। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की हम बात कर लेते हैं, प्राइसिंग की। इन सारे चेंजेस के बाद कि इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, हालांकि एक्सटीरियर में मुझे कोई खास चेंज नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सेफ्टी और कन्वीनियंस के फीचर ऐड कर दिए गए हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ जो अच्छी ऐड की गई है वो इस कार का माइलेज इंक्रीज हो गया है। चलिए हम प्राइस की बात करते हैं, मैं आपको पुरानी कार से भी कंपेयर करके बताऊँगा। जो इसका LXi वेरिएंट है वो 5,89,000 का अब हो गया है, पहले ये 5,83,000 का था। वहीं VXi वेरिएंट की बात करें तो 6,79,000 का हो गया है, ये पहले 6,73,000 का था। वहीं VXi ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये 7,32,000 का हो गया है, पहले ये 7,20,000 का होता था। वहीं ZXi वेरिएंट की बात करें तो ये 7,48,000 का हो गया है, जो पहले 7,32,000 का होता था। वहीं ZXi में ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट की प्राइसिंग 8,01,000 रुपये हो गई है, जो कि पहले 7,79,000 होती थी। वहीं अगर हम ZXi प्लस की बात करें तो 8,28,000 का हो गया है, जो पहले 8,22,000 का आता था। और ZXi प्लस विथ ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट अब 8,81,000 का हो गया है, जो पहले 8,69,000 का होता था। यानी ओवरऑल आप अगर देखें तो इसके बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के बीच में 6,000 से लेके 12,000 का एक्स्ट्रा प्राइस बड़ी है BS6 इंजन और ये सारे फीचर्स के साथ। तो दोस्तों, मुझे तो ओवरऑल फीचर्स जो ऐड किए गए हैं, स्पेशली जो इंजन में थोड़ा सा पावर भी बढ़ा है और एवरेज भी बढ़ा है, ये अच्छा लगा है। लेकिन जो इसका एक्सटीरियर में कोई खास चेंज मुझे नहीं देखने को मिला, और फ्रंट जो है वो मुझे लगभग सेम ही लग रहा है, कोई खास उसमें अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपको इस फेसलिफ्ट वर्जन में क्या कौन से फीचर अच्छे लगे, या आपको किसी फीचर का इंतज़ार रहा हो जो अभी भी स्विफ्ट डिज़ायर में ऐड ना किया गया हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज़ करेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचें।